जी, तो मैं आ गई हूँ किचन में। ये मेरे पास चिकन है, ऑलमोस्ट हाफ के जी या इससे थोड़ी कम होगी। यहाँ पे मैंने टोमेटोज लिए हैं, हरी मिर्ची ली हैं और जिंजर और गार्लिक लिया है। साबुत इसलिए लिया है क्योंकि मुझे कुटा हुआ यूज़ करना है, मुझे पिसा हुआ यूज़ नहीं करना, इसीलिए आप इसको मोटा मोटा कूट लें। तो इसको मैं ब्लेंड करूँगी टोमेटोज को, और इन मिर्चों को जो है मैं कट लगाऊंगी सेंटर से और मैं एज इट इज़ यूज़ करूंगी। बाकी मैं एक कढ़ाई मसाला प्रिपेयर करूंगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि वो मैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। तो चलें मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं, कढ़ाई जो इसमें जाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल्सो फाइन। जी, तो इतने दिनों से व्लॉग नहीं आया और मैं ज़रा रमज़ान में थोड़ा बिज़ी थी, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक झटपट सी मज़ेदार कढ़ाई की रेसिपी, जो कि मैं यूजुअली बनाती रहती हूँ। स्पेशली रमज़ान के हवाले से इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग, क्योंकि बहुत झटपट और इजीली तैयार हो जाती है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मेरे पास चिकन आ गई, मैंने लहसुन अदरक को कूट लिया, टोमेटो को पेस्ट बना लिया और ये इसको बीच में से स्लाइस कर लिया मिर्चों को। अब मैं बनाने लगी हूँ मसाला, जो कि मैं डालूँगी कढ़ाई में। इसके लिए मैंने जो है ज़ीरे को कूट लिया, धनिया को कूट लिया है, दोनों चीज़ें कुटी हुई जाएंगी, पिसी हुई कोई चीज़ नहीं जाएगी इसमें। और जाएगा और जाएगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, सॉल्ट, बस इसके ये मसाले हैं। ये झटपट कोई तैयार होने वाली रेसिपी है। चलिए मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर आपको प्रोसीजर गाइड करते हैं कि किस तरह बनेगी। अब मसाले में सबसे पहले ऐड करूँगी कुटा हुआ धनिया, जो कि है मेरे पास ऑलमोस्ट 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा ये भी 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्ची ये भी 1 टीस्पून, ये तो ऑलमोस्ट 1 टीस्पून है, इनको मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। और पिसी हुई लाल मिर्ची ये भी 1 टीस्पून, आप चाहें तो जो है वो सॉल्ट इसमें ही ऐड कर लें, वरना आप वैसे भी कर सकते हैं, हंस भी जाएगा 2 टेस्ट जिस हिसाब से आप लोग सॉल्ट खाते हो। सो मैं इसी में ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और ये मेरा मसाला रेडी है, जो कि कढ़ाई में जाएगा मेरी। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो ये मेरा मसाला रेडी है, चलिए अब प्रिपेयर करते हैं कढ़ाई। जी, तो यहाँ मेरे पास कढ़ाई रेडी है और मैंने इसमें 1 1/2 कप ऑयल ले लिया है। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है, अगर आपको बाद में ज़्यादा लगे तो आप एक्सेस ऑयल को रिमूव कर सकते हैं, बट फिलहाल स्टार्टिंग में तो इसमें ऑयल ज़्यादा जाएगा ताकि चिकन अच्छी तरीके से भुने और टेस्ट भी ज़्यादा ऑयल में भुनी हुई चिकन में ही आएगा। सो मैं कढ़ाई ही बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इसी कढ़ाई में ही बनाई जाए कढ़ाई को। सो ये मैंने ले लिया है 1 1/2 कप ऑयल। अब मैं इसको थोड़ा गर्म होने दूँगी, उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी, मिर्च ऐड करूँगी और उसको थोड़ा सा पकाऊंगी, तो सब आपने शेयर करेंगे। क्या आप देख सकते हैं कि इतना ऑयल लेना है कि आपकी चिकन थोड़ी सी अच्छी तरह डिप हो जाए इसमें, बाद में आप एक्सेस ऑयल जो है इसमें से रिमूव कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल तो मुझे अच्छी तरह चिकन को तेज़ आंच में थोड़ा सा भूनना है, तो मैं इसको भून के मिलती हूँ। इस स्टेज पे मैं अपनी कढ़ाई में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, बिल्कुल मामूली सा पिंच सॉल्ट, ताकि जो है मेरी चिकन जो है अच्छी सी टेस्टफुल हो जाए और अंदर से फीकी ना रहे। ये एक टिप है कि जब भी आप लोग कढ़ाई वगैरह बनाएं स्पेशली चिकन की, तो उसमें आप भूनते वक्त ऑयल के साथ थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे तो अंदर से काफ़ी फ्लेवरफुल हो जाती है चिकन और बिल्कुल भी जो है वो फीकी और टेस्टलेस नहीं रहती, जैसे नॉर्मली कढ़ाई वगैरह में अंदर से चिकन फीकी रहती है। तो ये एक टिप है, तो आप सब भी ये यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल पिंच मामूल से सॉल्ट ऐड कर दें। मैंने इसको कवर कर दिया है 5 मिनट के लिए, 5 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इसको कवर हटाने लगी हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक और जिंजर जो मैंने कूट के रखा था, इसमें वो ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी 1 से 2 मिनट, उसके बाद मैं कवर करके इसको अगेन 5 मिनट्स के लिए कवर कर दूंगी।
5 to 7 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब आप शक्ल देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी। अब आप अगर जो चाहें, अब लोग के जिनको इस स्टेज पे आप इसका एक्सेस ऑयल रिमूव कर सकते हैं, जिन लोगों को महसूस होते हैं उनकी ऑयल ज़्यादा लग रहा है तो निकाल सकते हैं, वरना अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि अभी आप इसमें टोमेटोज ऐड करेंगे फिर वो भुनेगा तो ड्राई ना हो जाए ना, क्योंकि शहरी में हमें पराठे वगैरह के साथ यूज़ करना होता है सालन को, और एटलीस्ट थोड़ी ग्रेवी होनी चाहिए। तो इसलिए अगर कोई चाहे तो इस स्टेज पे जो है आप एक्सेस ऑयल जो उसका रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें अपने मसाले ऐड करूँगी और फिर टोमेटोज ऐड करके मैं इसको ढक दूँगी 10-15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने मसाला प्रिपेयर किया था मैं इसको ऐड कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा मसाला रोक लूँगी जो कि मैं बाद में इसके ऊपर से ऐड करूँगी, तो मैंने बाकी सारा डाल दिया है, सिर्फ इतनी क्वान्टिटी मैंने रोक ली है ये बाद में ऐड करने के लिए। इसको और भूनेंगे, वो ग्रेवी भी ऐड कर दूँगी इसमें यहाँ पर। इसको ढक देंगे 10-15 मिनट के लिए। ये आप कुछ देख सकते हैं इसकी शक्ल। बस अब मैं इसमें जो है अपना रिमेनिंग मसाला और धनिया वगैरह ऐड करके इसको दम पे रखूँगी, बस बहुत हल्की आँच पे 2 मिनट के लिए बस ये रेडी है। सो व्यूवर्स, ये थी मेरी क्विक एंड इजी सी कढ़ाई की रेसिपी। मैं यूजुअली यही कढ़ाई बनाती हूँ, मेरी खुद की इनोवेशन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग ट्राई भी ज़रूर करेंगे। प्लीज़ मेरी रेसिपी ट्राई करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की और रेसिपीज़ भी आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। और वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप कढ़ाई की शक्ल, वाह वाह वाह, क्या आला शक्ल है कढ़ाई की, और साथ में टेस्ट भी बहुत आला है। ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।